बच्चों नया चैप्टर शुरू करते हैं मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस क्या होता है? वैसे तो मैट्राइसेस को मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, एक मैट्रिक्स। मैट्राइसेस मतलब प्लूरल, बहुत सारे मैट्रिक्स। ठीक है, क्या नाम होता है? मैट्रिक्स। चलिए, मैट्रिक्स बोलते हैं तो सिंगुलर हो गया ना, एक मैट्रिक्स की बात हो रही है। क्या होता है मैट्रिक्स बच्चों? मैट्रिक्स एक बाय डेफिनेशन इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। ठीक है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑर्डर्ड होता है बच्चों, ऑर्डर्ड है ना। देखिए, देखिए इस तरीके से आपको देखिए, तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। मैंने एक एग्जांपल मैट्रिक्स बनाता हूँ आपके सामने। देखिए, इसमें मान लीजिए नंबर्स फिल कर देता हूँ। लेट से मैंने कर दिया 2, 3, -1 है ना, 4, 9, 7, 0, 1, 5। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया? कुछ नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली आप ये ध्यान रखना, अब समझने वाली बात करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स नंबर्स को या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरीके से या कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू मतलब कैलकुलेबल, कुछ कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू इक्विवेलेंट निकल रही है, या इसका कोई सिंपल करके एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ वैल्यू निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैट्रिक्स, ये 9 जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 9 नंबर्स एज इट इज ही लिखे रहेंगे, यही मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके कुछ एक छोटा सा नंबर निकाल दोगे या कोई एक नया नंबर या नई वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक इक्विवेलेंट नंबर या इक्विवेलेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है बच्चों डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में। ठीक है, दूसरा सिंबल का डिफरेंस है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? लाइंस थोड़ी सी मुड़ी होती हैं, इस तरीके से होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का सिंबल बच्चों सिंपल ऐसे होता है, इस तरीके से। यानी दो खड़ी लाइन के बीच में वैल्यूज लिखी रहती हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे और भी अंतर होते हैं, जब हम डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तब तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि मैट्रिक्स वैल्यूज़ को, नंबर्स को या फंक्शंस को या किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक अरेंज करने का एक तरीका है, बस खाली इतना है। और उस अरेंजमेंट में भी हम लोगों ने मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट कम्युनिटी ने बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशनली फिक्स कर रखी हैं, उन कन्वेंशन को हम सीख लेंगे एक बार, सो दैट मैट्रिक्स की लैंग्वेज हमको आ जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, चलिए, ठीक है जी, तो मैट्रिक्स क्या हो गया? तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डेटा या ऑफ नंबर्स या ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे या रेक्टेंगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, मैट्रिक्स के अंदर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे एक रो है, ये ना, ये रो है, दिस इज वन रो। ठीक, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल रोज होते हैं, मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है? मल्टीपल, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, तो कई कॉलम हो गए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रो और कॉलम का। ये मैट्रिक्स के अंदर रोज होंगी, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स होंगे। ठीक है जी, कॉलम्स होंगे, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, वो रो बनाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम कहलाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। आपने ध्यान दिया हो, मैंने बोला था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, बट आपको पता है कि यदि लेंथ ब्रेथ इक्वल हो वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ना हो तो है ही रेक्टेंगल। तो
जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो. यू कैन हैव मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ आपके सामने, देखिए. हाँ ऐसे ही खींच देता हूँ बच्चों, देखिए. हाँ मान लीजिए मैंने इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू लिख दी ना, साइन एक्स कॉस एक्स वन, ठीक है जी. और इसमें लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें लिख दिया मैंने लेट्स से वन. चलिए तो ये भी एक मैट्रिक्स है बच्चों. इसमें आप देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखो एक रो तो ये है, दूसरी रो ये है, ठीक है. इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, टू, और कॉलम कितने हैं बच्चों, वन टू एंड थ्री, यानी तीन कॉलम है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, थ्री, ठीक है. ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो दो रोज हैं इसमें और एक तीन कॉलम है. इसमें क्या था बच्चों, नंबर ऑफ रोज तीन थे, ठीक है जी, कॉलम भी इतने थे, कॉलम भी तीन थे, ठीक है जी. तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो. आपको समझना क्या है, जानना क्या है कि मैट्रिक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक तरीका है, ठीक है. उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर कुछ अरेंजमेंट करते हैं. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब स्ट्रेट लाइंस होती हैं बहुत सारी, जिनको हम रोज बोलते हैं. कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनको हम कॉलम बोलते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है. जैसे मैं कैपिटल ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स या कैपिटल बी इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, जनरली कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है टू डिनोट अ मैट्रिक्स. तो बच्चों अब बात करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की. चलिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके रोज और कॉलम्स का नंबर होता है, ठीक है. मान लीजिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स इज इक्वल टू एन है किसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है. तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस, ये क्रॉस है ना, एम क्रॉस एन, ठीक है. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी. और नंबर ऑफ रोज यदि एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि एन है, तो ये कैलकुलेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं, एंट्री भी बोल सकते हैं ना. देखो जितने भी ये मेंबर्स हैं ना, 2, 3, 9, 1, 7, जो भी ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट, या जिनसे मैट्रिक्स मिलके बना होता है, या इसको मैट्रिक्स की एक एंट्री भी बोल सकते हैं. इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यदि ऑर्डर एम बाई एन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे होंगे एम एन, ठीक है. मान लीजिए जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज थ्री है, नंबर ऑफ कॉलम थ्री है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 × 3. और जनरली ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स के साथ में लोअर सबस्क्रिप्ट लगा के उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये जो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, कॉलम्स हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों 2 × 3, साइड में ना छोटा सा सबस्क्रिप्ट बना के ऐसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, इसमें कितने हो गए, 9, ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना बहुत आसान है, ऑर्डर मालूम है तो ऑर्डर के जो रोज और कॉलम के नंबर, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं कि एक जनरल एलिमेंट, जनरल मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है. जनरल तो बच्चों समझते हैं एक मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी एक बार आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए. चलिए ठीक है, जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए मैंने ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है. और मान लीजिए ये इस तरह का मैट्रिक्स है कि इसमें एम नंबर ऑफ रोज हैं और एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी ये एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है जी. तो इसमें क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ रोज है ना, ये रोज होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती है, ये एम होंगी, टोटल कितनी होंगी, एम रोज होंगी, ठीक है जी. और कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइंस ना, वर्टिकल लाइंस कॉलम होंगे, तो कितने कॉलम्स हैं, एन कॉलम्स हैं. मैं बच्चों जनरल मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है.
सो दैट आप बहुत सारी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है मैट्रिक्स की वो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट ए 1 1 कहलाएगा, यानी कि उसकी जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 1 होगी। जो पहला वाला 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी रो में लाई करता है, यानी कि फर्स्ट रो में। और सेकेंड वाला जो नंबर है, सेकेंड वाला जो 1 है वो क्या करता है, कौन से कॉलम में लाई करता है ये पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो ए 1 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट कैसे होगा, सेकेंड एलिमेंट को बोलेंगे नंबर ऑफ रो कौन सी है, पहली है, कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा, तो ए 1 2। ठीक है, इस तरीके से ये ए 1 3 क्या होगा, पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे करते करते पहली रो और आखिरी का कॉलम नंबर कौन सा है, एन, तो ए 1 n। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है कि, ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं कि रो नंबर और कॉलम नंबर, जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं ना m बाई n, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसको m बाई n मैट्रिक्स बोलते हैं, m बाई n। ठीक है, अब सेकेंड रो है तो ऑब्वियसली कैसे नाम दिया जाएगा उसको, ए 2, और कॉलम पहला है तो 1। ठीक है, ए 2 2, ए 2 3, इस तरीके से आखिरी में ए 2 n। इस तरीके से करते करते बच्चों सबसे आखिरी में जो आएगा, सबसे आखिरी की रो होगी mth रो, क्योंकि m रो है ना, तो ए m कॉलम कौन सा, 1, ए m कॉलम 2, इस तरीके से ए m कॉलम 3, और आखिरी में m रो और कॉलम n। ठीक है जी, तो ये बच्चों जनरल स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, और मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक मैथमेटिकल तरीका है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे होता है, हम लिखते हैं A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट आई कॉमा जे। ठीक है, ऊपर से इसकी ऑर्डर m बाई n। ठीक है, ये मैट्रिक्स को लिखने का जनरल तरीका है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ है, i की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होती है, i की वैल्यू 1 से लेके m तक होगी। क्यों, क्योंकि i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे i रिप्रेजेंट कर रहा है, i मतलब रो नंबर, यानी ith रो में है ना, ये ith रो, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो i नंबर की रो में लाई करता है, और कौन सी कॉलम में, और ये जो है jth कॉलम में ना, कॉलम का नंबर क्या होगा, j, jth कॉलम में लाई करेगा। तो ये ए आई जे जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है वो आई नंबर की रो में और जे नंबर के कॉलम में लाई करेगा, और इसमें कुल एम रोज होंगी और एन रोज होंगी, और आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके एम तक जाएगी, और जे की वैल्यू क्या होगा बच्चों, जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी। ठीक है, तो एम और एन जनरली अलग अलग होते हैं लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो हमने डेफिनेशन दी थी स्टार्टिंग में, क्या बोले थे, रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे। रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि m और n जनरली बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि बराबर है तो, यदि नहीं है तो भी ठीक है, हैं तो भी ठीक है। तो आपको यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मालूम हो, ठीक है, और आपको ऑर्डर मालूम हो कि ये m बाई n का ऑर्डर है जो भी है, तो आप जनरल स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, देखिए इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या देगा आपको, इन विच ए आई जे इज गिवन बाय 1/2 मॉड ऑफ, मान लीजिए 2i-j, ठीक है, ऑफ ऑर्डर दे दिया जाएगा, मान लीजिए ऑफ ऑर्डर 3/2। ये इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको बोल देगा कि 3/2 या 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखो जिसमें हर एक एलिमेंट इस तरीके से मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आप जनरली 3/2 मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर लिखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, उसको 3 रो होनी चाहिए और हर एक रो में 2 कॉलम होने चाहिए। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 1 1, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1 2, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ही एलिमेंट लूँगा मैं। रो कितनी, 3, तो मैं 3 एलिमेंट लूँगा, a 1 1 a 2 1 a 3 1, तीसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट,
तीसरी रो दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरल स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे, जिससे एग्जामिनर को तुरंत इस तरह क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको ये स्ट्रक्चर लिख के आना है, ताकि आप एग्जामिनर को बताएंगे कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि ए आई जे इज गिवन बाय व्हाट, 1/2 मॉड ऑफ 2i-j, ठीक है। ये दिया जाएगा आपको, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप ये मैट्रिक्स बनाओ। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट निकालोगे, a11 कैसे निकल के आएगा, i की जगह 1 और j की जगह 1 रखोगे, 1/2 2 × 1 − 1, 2 − 1 1, तो आ गया 1/2, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 2 × 2 − 1, 3/2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप सब सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। चलिए मैं निकाल देता हूँ एक बार आपके लिए क्विकली, a31 विल बिकम 1/2 × 3 × 6 − 1 − 5, 5/2। आप लोग बच्चों आई रिकमेंड कि आप लोग अपने आप में भी ट्राई करो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होगी। a11 निकालिए, मुझे a12 चाहिए ना, a12 क्या होगा, i की जगह 1 आएगा, j की जगह 2 आएगा, ठीक है। तो 2 − 2 0 हो गया, तो ये a12 आ गया 0। अब a22 में क्या आएगा, 2 × 2 = 4 − 2, 2/2 1 आ गया। a32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 3 × 2 = 6 − 2 = 4, 4/2 2, तो ये आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि a11 से लेके a32 तक आपने सारे एलिमेंट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है ना, 3/2 के ऑर्डर में 6 एलिमेंट्स होंगे। ये सारे एलिमेंट आपने निकाल दिए, अब इनको आप लिख के फाइनल मैट्रिक्स कैसे लिखोगे बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल मैट्रिक्स बनेगा a = क्या क्या वैल्यूज थी, 1/2, 3/2, 5/2, 1/2, 3/2, 5/2 आगे थी 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों की बेसिक स्ट्रक्चर समझना कितना इंपॉर्टेंट था, और किस तरीके से ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगी, ये कि एनी मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय मैट्रिक्स का साइन ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, ठीक है, जहाँ आई की वैल्यू जो मैक्सिमम रो नंबर है 1 से लेके वहाँ तक जाएगी। और अच्छा आई और जे क्या है बच्चों, आई एंड जे आर नॉट रियल नंबर, आई एंड जे आर नेचुरल नंबर्स, तो आप ये भी लिख देंगे यहाँ पर, आई एंड जे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की, और इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए मान लीजिए समबडी आस्क यू हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स कैन बी फॉर्म्ड या कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ 6 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स में, 6 होनी चाहिए। तो कितने तरह के अलग अलग ऑर्डर्स के है ना m बाई n डिफरेंट कर करके आप मैट्रिक्स निकाल सकते हो। देखो बच्चों ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि 6 को आप 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है तो कितने तरीके से तोड़ सकते हो। तो 6 को आप तोड़ सकते हो 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2, तो देयर आर टोटल 4 वेज जिनमें आप 6 नंबर्स को फिल कर सकते हो। 1 × 6 कैसा किस टाइप का बन जाएगा बच्चों, देखो इसमें मान लीजिए नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 6 लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें क्या है, एक रो 6 कॉलम, तो देखो उसमें एक ही रो है और 6 कॉलम आ गए, तो ये 1/6 मैट्रिक्स, 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या होगा, 6/1, यानी कि इसमें 6 रोज होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 2/3 यानी 2 रोज होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 रो है, पहली रो दूसरी रो, 3 कॉलम है, 1, 2, 3,
ठीक है, इस तरीके से बच्चों 2x3 ऐसे ही आप 3x2 भी लिख सकते हो, सिंपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको बेसिक सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है बच्चों।